जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करने वाले हैं आरपीएफ कॉन्स्टेबल एसआई रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जी हां दोस्तों, आप लोगों का रिक्रूटमेंट है वो कब तक आने वाला है, क्या इस बार आप लोगों को एज क्राइटेरिया में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, आयु को लेकर काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। साथ ही जो वैकेंसी इसको लेकर एक शॉर्ट नोटिस है जो कि यहाँ पर आरपीएफ की तरफ से जारी किया गया, जिसमें 2250 आप लोगों की वैकेंसी यहाँ पर बताई गई थी। तो अभी इसमें कितनी वैकेंसी और आप लोगों की एड हो सकती है, इस बार का जो रिक्रूटमेंट होगा आरपीएफ कॉन्स्टेबल एसआई का वो अप्रोक्सीमेट कितने पदों पर इस बार रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है रेलवे की तरफ से ऑफिशियल तरीके से कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जितने भी रेलवे की तरफ से जो रिक्रूटमेंट वो एग्जाम जो रिक्रूटमेंट करवाए जाते हैं, जो आरआरबी के अधीन में जितने भी रिक्रूटमेंट आपके होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रिक्रूटमेंट आप लोगों का कंडक्ट करवाने वाला है, उन सभी के ऑनलाइन अप्लाई की डेट और साथ ही नोटिफिकेशन की डेट है वो कैलेंडर में जारी कर दिए। लेकिन यहां पर आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसआई भर्ती को लेकर अभी तक कैलेंडर में कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। तो ऐसे में काफी ज्यादा बच्चे परेशान हैं कि सर ये रिक्रूटमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सभी रेलवे के रिक्रूटमेंट है उनके नोटिफिकेशन आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसआई भर्ती को लेकर कोई भी और किसी भी प्रकार का कैलेंडर है वो रेलवे की तरफ से जारी नहीं किया गया। तो इस वीडियो में उन्हीं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि आपका रिक्रूटमेंट कितने पदों पर हो सकता है और इस बार आप लोगों का जो एज क्रिटेरिया है उसमें कितनी छूट आप लोगों को मिलने वाली है, कब तक ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, आपका जो रिक्रूटमेंट होगा उसे आरआरबी कंडक्ट करवाएगी या आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाने वाली है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों के पास में भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली आरपीएफ भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट आप सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा आरपीएफ की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था जिसमें 2250 वैकेंसी आप लोगों की बताई गई थी, जिसमें कॉन्स्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसियों को लेकर इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, जो कि रेलवे की तरफ से जारी किया गया एक शॉर्ट नोटिस था। अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि हाल ही में एक नोटिस जारी हुआ है, आपने देखा भी होगा आरपीएफ ने खुद कहा है कि भाई आरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट इतने दिन होता था उसका प्रोसेस है वो आरआरबी कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब रेलवे है वो उसने रेलवे मिनिस्ट्री है उसने एक बड़ा निर्णय लिया है कि भाई आरपीएफ के जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे वो आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाएगी। तो इसीलिए जो आरआरबी का जो अभी कैलेंडर आप लोगों ने देखा है, जो रिक्रूटमेंट जितने भी ग्रुप डी है, एलपी है, टेक्नीशियन है, जितने भी आपके रिक्रूटमेंट है जो आरआरबी कंडक्ट करवाती है, उसमें आपको आरपीएफ की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। आरआरबी की आरआरबी आपकी एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं करवाएगी। इस बार यह जो भर्ती प्रक्रिया आपकी आरपीएफ की आने वाली है वो आरपीएफ खुद इस बार एग्जाम आपका कंडक्ट करवाएगी और पूरा का पूरा जो भर्ती का प्रोसेस है वो आरपीएफ अपने पास रखने वाली है। तो वैकेंसी इस बार मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आपने देखा होगा 2018 में लास्ट टाइम आप लोगों की वैकेंसी आई थी, उसके बाद में लगातार 2024 तक आरपीएफ में कॉन्स्टेबल और एसआई की कोई भी नई वैकेंसी नहीं आ पाई है, काफी वैकेंसियां खाली है। और इससे पहले एक नोटिस भी जारी हुआ था जिसमें रेलवे मंत्रालय ने यह भी कहा था कि भाई आगे आने वाले रेलवे में आरपीएफ के जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे, चाहे वो कॉन्स्टेबल हो चाहे एसआई हो, उसमें 50% वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्वेट होगी। और ये रिक्रूटमेंट लगभग 10,000 के लगभग रेलवे ने यहां पर बताया था कि आरपीएफ के 10,000 से ज्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट है वो आरपीएफ कंडक्ट करवा सकती है। तो रिक्रूटमेंट आप लोगों का बड़ा होगा, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसियां खाली है, खासतौर से आरपीएफ कॉन्स्टेबल और एसआई की बहुत सारी वैकेंसियां खाली है। और रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर रेलवे मंत्रालय ने कई बार ये ट्वीट भी किया है कि आरपीएफ का एक रिक्रूटमेंट है वो बहुत जल्द करवाने वाले हैं, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई बहुत ही जल्द आरपीएफ का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज मैं बता दूं, वैकेंसीज में आप लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ के आएगी, जो 2250 आपकी वैकेंसी बताई गई वो एक टेंटेटिव वैकेंसी थी, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी वैकेंसियां ऐड होकर आएगी, क्योंकि 2018 वाली भर्ती का प्रोसेस अभी तक भी चल रहा था, जो वेटिंग वाले कैंडिडेट थे उनकी जैसे जैसे वेटिंग वगैरह क्लियर हो रही थी वैसे वैसे उनको बुलाया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली 2018 की भर्ती का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है और नई भर्ती आप लोगों के लिए बहुत जल्द आ सकती है। मैं आपको बता दूं 2018 के बाद में जितने भी रिक्रूटमेंट आए हैं उन सभी में एज को लेकर रिलेक्शन दिया गया है, सभी रिक्रूटमेंटों में 3 साल का रिलेक्शन मिला है, आरपीएफ में भी 3 साल का आपको एज में रिलेक्शन मिलने वाला है। अगर आप आरपीएफ भर्ती का इंतजार करते करते अगर आप ओवरेज हो गए हैं तो भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 3 साल का रिलेक्शन आप लोगों को रेलवे की तरफ से आरपीएफ की जो भर्ती आएगी उसमें कॉन्स्टेबल और एसआई दोनों में मिलने वाला है। तो एज में भी रिलेक्शन मिलेगा, वैकेंसी भी काफी अच्छी होगी, और इस बार जो रेलवे का आरपीएफ और आरपीएफ एसआई का जो रिक्रूटमेंट है वो आरपीएफ खुद कंडक्ट करवाने वाली है। इसीलिए आप लोगों को आरआरबी ने जो कैलेंडर जारी किया है रिक्रूटमेंट का उसमें आरपीएफ की वैकेंसी को लेकर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि आरपीएफ खुद इस बार आप लोगों का रिक्रूटमेंट है वो कंडक्ट करवाने वाली है। और मैं आपको बता दूं
15 मार्च से पहले पहले इस रिक्रूटमेंट को लेकर आपको ऑफिशियली अपडेट भी रेलवे की तरफ से, आरपीएफ की तरफ से आप लोगों को दे दी जाएगी। और वैकेंसी को मैं बताऊं तो भाई अभी जो वैकेंसी आपको बताई गई थी वो बिल्कुल टेंटेटिव वैकेंसी, इसमें बहुत सारी वैकेंसी अभी इंक्रीज होनी बाकी है। और वैकेंसी आप लोगों को पता है रेलवे में जो भी आरपीएफ की वैकेंसी आती है वो जोन वाइज आती है, तो भाई वैकेंसी अलग अलग जोन वाइज ही आप लोगों को इस बार देखने को मिलने वाली है। दोस्तों क्या आप भी आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएगा। साथ में बता दूं अभी से अपनी रिटन एग्जाम की तैयारी को शुरू कर देना, क्योंकि आरपीएफ खुद एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो बहुत जल्द एग्जाम भी आप लोगों का कंडक्ट करवा सकती है। और अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारा मैथ स्पेशल बैच आ चुका है, जो कि आप सभी को बताया, अगर आपको रेलवे में आरपीएफ के पद पे भर्ती हो रहा है तो भाई मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और मैथ के लिए हमारा जो चाणक्य बैच शुरू हुआ है जो कि ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए काम करेगा। और इस बैच की खास बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी पढ़ाया गया वो बिल्कुल बेसिक से और जीरो से आप लोगों को पढ़ाया गया, जिसमें ऑल टॉपिक और टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स इस कोर्स में मिल जाएगा। और पूरा का पूरा जो ये चाणक्य बैच आपका मैथ स्पेशल है ये मात्र 199 रुपए में दिया जा रहा है। तो अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और अभी से अपनी तैयारी शानदार तरीके से शुरू कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आरपीएफ भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।